कराची नहीं बदली, कराची नहीं बदला, यूं समझ लें पाकिस्तान नहीं बदला, सिर्फ लाहौर बदल गया और आर्मी के चीफ बदल गए। राहील शरीफ की जगह कमर जावेद बाजवा आ गए। कमर साहब के लिए तो बहुत पहले अल्लामा इकबाल कह गए थे, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, सरबराग के कंधों पे तारे लगे रहते, डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नजारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर, नजारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर, होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। अब लाहौर की बात कर लें, पहले जैसा लाहौर नहीं रहा। मुझे तो सज़ाएं मिलती रहेंगी और हसरत साहब अफसोस करते रहेंगे, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हम दोनों इस मुल्क में रहते हैं जो पहले हिंदुस्तान था और अब पाकिस्तान, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और तादा में आखिर भुगतते रहेंगे। हमारे अपने आदमी दमे तहरीर मौजूद होते हैं, मगर उन फरिश्तों का क्या कहिए जिनके कहने पे हम पकड़े जाते हैं। सादत हसन मंटो का लाहौर भी नहीं रहा। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम कायम, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको, नासिर काज़मी का लाहौर भी नहीं रहा। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पर खिले फूल बरसात के, मुनीर नियाज़ी का लाहौर भी बदल गया। सर्दियों की एक यकबस्ता और तवील रात की बात है, मैं अपने बिस्तर में सर ढांपे गहरी नींद सो रहा था, किसी ने मुझे झिझोड़ कर जगाया। कौन है, मैंने चीख कर पूछा। घुप अंधेरे से आवाज़ आई, थाने वालों ने राना को गिरफ्तार कर लिया। गडरिया, इतना खूबसूरत अफसाना लिखने वाले अशफाक अहमद का लाहौर भी बदल गया। फैज़ साहब, मीरा जी, राशिद, सूफी साहब का लाहौर नज़र नहीं आता। कासमी साहब, किश्वर और कामरान का लाहौर कहाँ है? उस्ताद दामन का लाहौर किधर चला गया? इंतज़ार हुसैन, आइए रहमान, मसूद अशर का लाहौर नहीं रहा। नूर जहाँ का लाहौर ख़त्म हो गया। शाकिर अली तो अपने ज़माने में भी लाहौर को ढूंढते रहते थे। और तो और, पतरस बुखारी का लाहौर भी कहीं चला गया। सिर्फ अताउल्ला कासमी कहते हैं, यार लाहौर लाहौर है, कैसे बदल सकता है। मगर अकेले में मुझसे कहने लगे बहुत सी बातें, अनवर मजबूरन कहना पड़ती हैं, लाहौर बदल गया है। पतरस बुखारी की तहरीरें पढ़कर मुझे मिजाह लिखने का शौक़ हुआ। 80 बरस पहले पतरस ने लिखा था, आने वाले सालों में लाहौर एक सूबा बन जाएगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। आज ये बात सच साबित हो गई, लाहौर एक सूबा बन गया। पंजाब के सरबराह दूसरे शहरों, गांवों और कस्बे में रहने वालों से ज़्यादा तुर्कियों से मोहब्बत करते हैं, और खादिम आला को जब किसी बात की समझ नहीं आती तो वो ज़बान यारमन तुर्की, ममन तुर्की, नमीदानम कह देते हैं। टांगों की जगह तुर्की की मेट्रो बस ने ले ली। कीनू और माल्टे के ठेले गायब हो गए, उनकी जगह ऑरेंज ट्रेन आ रही है। सिवाय लाहौर के सारे पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। लाहौर के करीब शेखुपुरा है जिसे सब अमरूदों का शहर कहते हैं, मगर शेखुपुरा वाले अब लाहौर को नमरूदों का शहर कहते हैं।